हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में यदि आप सरकारी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। आपने नेट, सेट, PhD कुछ भी नहीं कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स्ड जो है सैलरी रहेगी 57,700। कोई भी फीस जो है एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को नहीं देनी है। तो चलिए देख लेते हैं, 104 डिपार्टमेंट में जो है अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा तो आप यहां पर अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि कोई फीस भी नहीं है और इतनी अच्छी सैलरी के साथ में आप सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो है लिस्ट देख लेते हैं हम, लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर जो है जिस डिपार्टमेंट में आपका सब्जेक्ट रहेगा तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा, कोई फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, नेट, सेट, PhD के बिना आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सब्जेक्ट, मुझे लगता है जहाँ पर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उनका सब्जेक्ट हो सकता है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, कॉमर्स के कैंडिडेट के लिए काफ़ी जो है सब्जेक्ट हैं डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ई कॉमर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स के लिए देखें आप, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 95 नंबर पर है, डिपार्टमेंट ऑफ योगा वेलनेस एंड मेडिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। कंप्यूटर के लिए आप देखें, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पर देखें कुल जो है वो 104 डिपार्टमेंट हैं। आप अपना जो है सब्जेक्ट देख लें बारीकी से। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिनके पास जो है ये रहेगा सब्जेक्ट, तो आप देख लें, ठीक है। और जो खास खास जो सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको दिखा ही दिए हैं। यहाँ पर देखें बायोटेक्नोलॉजी के, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और भी हैं जो आप देख लें, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब देख लेते हैं कहाँ से जो है वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कोई फीस तो नहीं देनी है। दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय, 14 मार्च 2024। ये जो है यहाँ से विज्ञापन हर साल आता है, 14 मार्च 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। लास्ट ईयर की हम बात करें तो 14 मार्च 2023 को ये आया था, यानी कि ये फिक्स है, ये डेट है ना, यानी कि इनकी डेट जो है फिक्स है, 14 मार्च 2023 था, ठीक है। अभी 14 मार्च 2024 को जो है ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। अ स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, सेक्टर 9, द्वारिका, न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, पोस्ट का नाम है, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आप सैलरी देखते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है, 1.5 लाख तक जो है सैलरी यहाँ पर रहती है। तो ये जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो अभी जो है नई पोस्ट जो है हर कॉलेज में ये लागू कर दी गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में ही जो है ये एक पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इनकी सैलरी भी फिक्स्ड कर दी गई है, 57,700 फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, तो इनका है कि मास्टर डिग्री के साथ में जो है 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है आपका कहीं का भी हो सकता है, किसी भी सेक्टर का हो सकता है, आपका खुद का जो है, आपने बिजनेस भी किया है अगर 5 साल तक, आप कहीं कोचिंग में भी पढ़ाए हैं, आपकी खुद की कोचिंग रही है, ठीक है। तो बस वही 5 साल का जो है अनुभव आपका चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए 10 साल का अनुभव चाहिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए 15 साल का अनुभव चाहिए। तो ये अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद जो है स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ाते हैं,
कहीं पर जैसे 3 साल का पढ़ा लिया, किसी स्कूल में जाके 4 साल का पढ़ा लिया, कहीं पर जो है 5 साल का पढ़ा लिया, ठीक है, या फिर जो है कुछ टाइम टीचिंग करते हैं कुछ सालों तक, उसके बाद जो है हो सकता है अपनी कोचिंग खोल ली हो, किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हो, या फिर बिजनेस में लग गए हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपने टीचिंग लाइन में ही जो है आपका अनुभव रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका किसी भी सेक्टर में जो है अनुभव चाहिए, ठीक है, तो आप देख लें, अगर आप जो है कुल मिलाकर आपका 10 साल का अनुभव रहता है तो एसोसिएट प्रोफेसर प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर देना, और अगर 15 साल का अनुभव हो जाता है तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर देना। सैलरी फिक्स्ड है बिल्कुल। और कब तक के लिए ये लेंगे आपको, तो यहां पर आप देख लें कि 3 साल से लेकर 5 साल तक जो है ये रखते हैं। काम अच्छा रहता है टीचर का तो उनको जो है ये आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, हटाते नहीं है। अब ये तो हर डिपार्टमेंट में रहता है कि आपका जो है 100% रहता है, काम करने का तरीका आपका अच्छा है तो आपको नहीं हटाया जाता है। तो अगर आप 3 साल के लिए 5 साल के लिए भी जो है रहना चाहते हैं, अपना जो है सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं और आगे फ्यूचर में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो यहाँ एक तरीके से जो है आपका अनुभव हो जाएगा। बाकी सैलरी के साथ में आप लोगों को और भी जो है यहाँ पर जैसे 30 दिन की जो है आपको छुट्टी ये मिलती है, ठीक है, और भी जैसे मेडिकल है इसकी सुविधा आपको मिलती है। सैलरी जो है यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड एट एंट्री लेवल ऑफ द पे मैट्रिक लेवल फॉर द इक्विवेलेंट फैकल्टी पोजीशन। तो आप सभी जानते हैं 57,700 जो है एंट्री लेवल जो है यहाँ पर पेमेंट आपकी रहेगी, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो आप 7 नंबर पर देखें, द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द सीवी। आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो रिज्यूम है इस पर आपको मेल कर देना है pop@deseu.ac.in, pop@deseu.ac.in। 30 अप्रैल से पहले आप लोग जो है ये काम कर दें अगर आप यहाँ पर जो है पढ़ाने की इच्छुक हैं। तो अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा जहाँ आपका सब्जेक्ट है तो आप देख लेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो इस ये जो PDF फाइल है इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। अपना सब्जेक्ट देखें और अप्लाई करते हैं, फीस वगैरह कुछ भी नहीं लग रही है और सैलरी बिल्कुल बिना नेट सेट PhD के आपको जो सैलरी दी जाएगी काफ़ी अच्छी रहेगी सैलरी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।